हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में बताएंगे। यह कैसे काम करता है, इसका गठन कैसे हुआ, इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, इसके कितने न्यायाधीश होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू कर दिया था। न्यायालय का मुख्यालय हैग नीदरलैंड में शांति पैलेस में है। यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एकमात्र ऐसा अंग है जो कि न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित नहीं है। इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़कर हमेशा चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासनिक व्यय का सारा भार संयुक्त राष्ट्र संघ उठाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, हाउ मैनी जजेस आर इन इंटरनेशनल कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और इनको दोबारा भी चुना जा सकता है। हर तीसरे साल इन 15 न्यायाधीशों में से 5 दोबारा चुने जा सकते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मुख्य शर्त यह होती है कि 2 न्यायाधीश एक ही देश से नहीं चुने जा सकते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्याय क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मदद इसके एक प्रशासनिक अंग रजिस्ट्री द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम कानूनी विवादों का निपटारा करना और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा उठाए कानूनी प्रश्नों पर राय देना होता है, यानी इनके 2 खास कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह कानूनी विवादों पर निर्णय देता है, 2 पक्षों के बीच विवाद पर फैसला सुनाता है और संयुक्त राष्ट्र की इकाइयों के अनुरोध पर राय देता है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 93 में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य इस न्यायालय से न्याय पाने का हक रखते हैं। हालांकि जो देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है वह इस न्यायालय में न्याय पाने के लिए भी अपील कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कैसे काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपनी मर्जी के हिसाब से नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नियमावली 1978 के अनुसार चलती है, जिसे 29 सितंबर 2005 को संशोधित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस देश का कोई स्थायी सदस्य नहीं होता है। देश सामान्यतः अपने विदेश मंत्री के माध्यम से या नीदरलैंड में अपने राजदूत के माध्यम से रजिस्ट्रार से संपर्क करते हैं, जो कि उन्हें कोर्ट में एक एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। आवेदन को केस दर्ज करवाने से पहले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और अपने दावे के आधार पर एक लिखित आवेदन देना पड़ता है। प्रतिवादी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है और मामले की योग्यता के आधार पर अपना लिखित उत्तर दर्ज करवाता है। इस न्यायालय में मामलों की सुनवाई सार्वजनिक रूप से तब तक होती है जब तक न्यायालय का आदेश होता है, अन्यथा न हो। अर्थात यदि न्यायालय चाहे तो किसी मामले की सुनवाई बंद अदालत में भी कर सकता है। सभी प्रश्नों का निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसकी अपील नहीं हो सकती, लेकिन कुछ मामलों में पुनर्विचार हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।